देश में फिलहाल आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। चार चुनावी चरण होने के बाद अब 20 मई को पांचवें चरण के लिए मतदान होना है और देश भर में हो रहे चुनाव के नतीजे 4 जून को साफ हो जाएंगे कि किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई है। दमदार रैलियों का सिलसिला ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। हर चुनाव की ही तरह इस चुनाव में भी सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। राजनीतिक दल कोई भी हो, बिना यूपी के अपनी सियासत का भविष्य शायद ही सोच सके। देश की 17% आबादी वाले उत्तर प्रदेश 6 प्रधानमंत्रियों का जन्म स्थल रहा है। वहीं 9 प्रधानमंत्री यूपी के ही किसी न किसी संसदीय क्षेत्र से जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देती है, क्योंकि यूपी देश का सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण ही लगभग तय करता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी नहीं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा उत्तर प्रदेश का गढ़ जीतती आ रही है और इस बार भी भाजपा यूपी फतेह करने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता किसका साथ देगी और कौन उत्तर प्रदेश जीतने में कामयाब होगा। इसका फैसला हमें 4 जून को नतीजों वाले दिन पता चल ही जाएगा। तब तक इलेक्शन के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।